Hey everyone, welcome back to this channel and this is Ivana from Bok TV और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, आज मैं अपने रूम में ही रहने वाली हूँ। जी हाँ, मैं अपने रूम में रहने वाली हूँ 24 घंटे के लिए। और अभी मैं सो के उठी हूँ और टाइम हो रहा है 10:45 एंड आई एम सो सॉरी, लेट उठना अच्छी आदत नहीं है, बट क्या करें, क्या करना है, जल्दी उठ के भी, बट मैं इम्प्रूव करूँगी अपना जो स्केड्यूल है, तो वो बात की बात है। और अभी मेरे रूम में बहुत मैस हुआ हुआ है और मैं सो के उठी हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ ब्रश वगैरह करने। और दूसरी चीज़, मैं वॉशरूम के लिए बाहर जाऊँगी बिकॉज मेरे रूम में कोई अटैच नहीं है, तो मुझे बस वहाँ बाहर जाना पड़ेगा, दहलीज पार करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ मैं इस रूम से वो जो आखिरी जो गेट है दहलीज, मैं तभी पार करूँगी जब मुझे वॉशरूम जाना होगा, एल्स पूरे 24 घंटे तक मैं इसी रूम में ही सर्वाइव करूँगी। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहें और अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। सो टाइम आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट है मेरी वॉच में, 10:45 हो रहे हैं, तो अब चैलेंज हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है मेरे अभी रूम की हालत। बहुत ज़्यादा मैंने मेस कर रखा है रूम, और ये ट्राइपॉड और ये सारा इतना बुरा हाल मचा दिया मैंने अपने सोफे पे। और वो मेरा डोडो जो कि ऐसी पोजीशन में पड़ा जैसे उसको किसी ने गोली मार दी हो। डोडो डोडो डोडो, प्लीज़ उठ जाओ। और ये है मेरे फ़िलहाल रूम की हालत, बहुत ही बुरी हो रखी है आप देखेंगे, और सब जगह फैला हुआ है। पहले तो मुझे इसको साफ़ करना पड़ेगा, और जैसे फ़र्श भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सफाई की ज़रूरत मांग है, और वो मांग रहा है कि मुझे साफ़ करो वंदना, बिकॉज़ आज 24 घंटे मैं ऐसे ही टाइम स्पेंड करूँगी। तो अब मेरा चैलेंज आगे फर्दर स्टेप पर बढ़ता है, जो कि मैं अभी फ़िलहाल करने वाली हूँ। सो गाइज, वो रहा मेरा पीछे वॉशरूम, जो कि मैं आपको बता रही थी कि मेरे को पीछे बस यहीं तक जाना पड़ेगा, इस दहलीज के पार वॉशरूम, उसके बाद मैं कहीं नहीं जा सकती। तो अभी मैं वॉशरूम जाऊंगी नहाने धोने और ब्रश करने, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो अभी मैं ब्रश कर लूँ और उसके बाद आपको मिलती हूँ नेक्स्ट स्टेज पे। फाइनली आई फील सो गुड, सो लाइट। जब नहा के इंसान निकलता है इतना उसको रिफ्रेशिंग और इतना अच्छा लगता है। और अभी टाइम हो रहे हैं, टाइम आई मीन हो रहा है 11:30, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो अभी सफाई का काम बाद में करते हैं, सबसे पहले पेट पूजा करते हैं। सो उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊँगी, उससे पहले, खाने से भी पहले मैं पूजा करती हूँ। तो मैं पूजा करती हूँ, फिर खाऊँगी, फिर सफाई करूँगी, फिर उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट क्या क्या करना है। फाइनली मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, मेरे पेट में ऐसा लग रहा है मर जाऊँगी, कुछ खाऊँगी नहीं तो। तो अभी पहले खाते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट में आया है चाय, क्योंकि मैं मिक्स एंड मैच पीती हूँ, कभी दूध, कभी चाय, कभी कुछ। और एप्पल और एक बॉइल्ड एग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हाई प्रोटीन होता है और सबको खाना चाहिए, और ब्राउन ब्रेड, जी हाँ। और इसके अलावा ये बैलेंस डाइट होती है, और आप इसके साथ साथ आप च्यवनप्राश ले सकते हैं, जो मैं डेली खाती हूँ 2 टाइम, बहुत अच्छा है। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं हैं और आपको हेल्थ मेंटेन करनी है और आपको थिन भी रहना है, तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन तरीका, जी हाँ। तो अब मैं खाऊं और उसके बाद आपसे आगे की बातें करूंगी और आगे की एक्टिविटीज़ चलेंगी हमारी। जब तक मेरे पेट में नहीं जाएगा तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसका नाम डूडू है और ये सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है। जब भी मुझे कुछ प्यार आता है, कुछ लाड़ करने का मन करता है, तो मैं इसको हमेशा पकड़ के दबा देती हूँ, बिकॉज ये है इतना प्यारा सी। इसका मासूम चेहरा तो देख लो आप लोग, आप लोग को भी लगेगा एक्चुअल में ये बहुत प्यारा है, और इसका नाम तो उससे भी ज़्यादा प्यारा है ना। तो ये है डूडू और ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरा, सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और इसका ये ड्रेस देखो आप, ड्रेस इसके पीछे हुड है, ये हुड पहनता है, जी हाँ। जब ठंड होती है तो मैं इसको हुड पहना देती हूँ, बट अभी ठंड नहीं है तो मैं इसको हुड नहीं पहनाऊँगी। हाँ,
फाइनली मेरा अभी लंच आ चुका है और पहले लंच करूँगी, उसके बाद अपना स्किन का जो भी मैं प्लान कर रही हूँ केयर वो करूँगी, स्किन केयर। पहले मैं खा लेती हूँ, सुपर सुपर हंग्री। प्रॉपर सूख चुका है और अब इसको मैं उतार देती हूँ और फील गुड, बहुत अच्छा लगा आँखों पे कुकम्बर रख के और फेस पे थोड़ा सा पैक लगा के। और अब हम करेंगे डांस थेरेपी, यस माय फेवरेट एक्टिविटी, दुनिया की सबसे फेवरेट एक्टिविटी जिसमें मैं झूम उठती हूँ, खो जाती हूँ और मुझे कुछ नहीं होश रहता फिर उसके बाद। सो थोड़ा सा डांस और उसके बाद डांस 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 डांस, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। So, healthy drink is here. ये है हल्दी वाला दूध जो कि मैं इवनिंग टाइम में पीती हूँ और आप लोगों को भी पीना चाहिए क्योंकि बहुत हेल्दी है। और आप नाइट में लीजिए या इवनिंग में लीजिए, मैं इवनिंग में लेना पसंद करती हूँ, रात को मैं नहीं प्रेफर करती। सो इट्स अप टू यू, एन्जॉय योर ड्रिंक एंड स्टे हेल्दी। आई थिंक ये रूम चैलेंज नहीं, फूड चैलेंज हो रहा है कि 24 घंटे खाना ही खाना है। आई एम डन। तो अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, टीवी देख देख के मैं बोर हो गई और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। गाने सुन लिया, डांस कर लिया, खा लिया, पी लिया, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, थोड़ा सा अपनी स्किन को मेंटेन कर लिया और अब क्या करूँ, मैं बोर हो रही हूँ, कुछ ऑप्शन नहीं बच रहा है। मुझे लगता है सबसे टफ है, मैं हार मानने वाली हूँ। तो आपको क्या लगता है, वीडियो पॉज करके बताओ, मैं एंड तक ये चैलेंज कर पाऊंगी या फिर हार मान जाऊंगी? तो प्लीज़ कमेंट करें। देखिए चीटिंग नहीं, नो चीटिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर डालो। थोड़ा सा फ़ोन में टाइम स्पेंड कर लूँ, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, मुझको एक यही चीज़ है जो मुझे टिका सकती है अभी। देखती हूँ किसको कॉल घुमाऊँ, किसको कॉल घुमाऊँ, अपने फ्रेंड से बात करती हूँ, देखती हूँ बात होती है कि नहीं। हाँ, वीडियो कॉल कर रही हूँ, देखो इस टाइम कौन उठाता है।
कहाँ घूम रहे हो ऐसे कोरोना काल में? कहाँ घूम रहे हो तुम लोग? आवाज नहीं आ रही? ओके, मैं तो 24 आवर चैलेंज कर रही हूँ, रूम में हूँ अपने। कहाँ से? शादी? अच्छा सही है, चल ठीक है। कितनी देर में पहुंचेगा घर? ओके कॉल करियो फ्री होके। ठीक है बाय दोनों को, बाय। सो ये तो थे बिजी, शादी निपटा रहे हैं लॉकडाउन में। अब मैं किससे बात करूं? नो ऑप्शन लेफ्ट। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। आइडिया, थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ। जी हाँ, एक्चुअली मेरा टेस्ट है ड्राइविंग का, तो मैं थोड़ी देर उसकी प्रिपरेशन कर लेती हूँ ऑनलाइन, तो वो बेटर रहेगा। ड्राइविंग टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम, दैट्स गुड। ओके और रेड ट्रैफिक लाइट मींस, बताओ गाइस अगर आप को पता है। तीन ऑप्शन मैं दे देती हूँ, चलो मैं भी साथ के साथ सीख रही हूँ और आप लोगों को भी थोड़ा सिखा देती हूँ। और रेड ट्रैफिक लाइट मींस बताइए क्या होता है उसका मतलब? स्टॉप। सेकंड ऑप्शन सेफ टू क्रॉस, और थर्ड इज़ नो एंट्री। सो इट इज़ बट ऑब्वियस स्टॉप। रेड का मतलब सबको पता है, रेड का मतलब स्टॉप होता है। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्या इसमें बता रहे हैं वीडियो में। येलो का मतलब ओके। अ येलो और ऑरेंज फ्लैशिंग ट्रैफिक लाइट मींस, तीन ऑप्शन है, नो एंट्री, स्टॉप हियर, क्रॉस विद कॉशन। ओके दैट्स ऑब्वियसली सबको पता है, येलो लाइट हो जाती है तो क्रॉस विद कॉशन है, सावधानी से आप आगे क्रॉस करें, बहुत इजी है। अ ग्रीन ट्रैफिक लाइट मींस ओके, दैट्स बट ऑब्वियस। Green means go ahead. Cross, obviously safe to cross है इसका मतलब। ठीक है guys, मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ और उसके बाद आप लोगों को थोड़ी देर में मिलती हूँ। अभी जो मेरी वॉच में टाइम हो रहा है 7:22 हो रहे हैं, मैं एक घंटा पढ़ लेती हूँ और उसके बाद दोबारा आपको मिलूँगी नेक्स्ट चैलेंज के साथ। सो गाइस अभी मैंने डिनर किया है, 10:05 हो गए हैं। मैंने अभी डिनर करके फ्री हुई हूँ और उसके बाद मैं थक चुकी हूँ क्योंकि आज इतना ज़्यादा पकाऊ दिन लगा, डांस करा, सब कुछ किया, उसके बाद भी ऐसा कुछ मिसिंग सा लगा कि कुछ कमी है आज के दिन में। हो सकता है वॉल्स के अंदर हम बंद हैं इस वजह से ये सब हो। सो ये था आज का अभी का टाइम, और अभी मुझे कल एक तरह से 11 बजे तक और रुकना है, तभी 24 आवर्स चैलेंज जो है कंप्लीट होगा। सो अभी देखती हूँ, मैं अभी थोड़ा सा टीवी देखती हूँ, थोड़ा बोर हो रही हूँ, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो अभी मैं टीवी चलाती हूँ। गाइस अभी टाइम हो रहा है 12:25 और अब मैं जा रही हूँ सोने, तो मैं चेंज कर लेती हूँ सबसे पहले क्लोथ्स और उसके बाद मैं सोती हूँ और उसके बाद कल मॉर्निंग में मिलते हैं। बाय।
सो ये रहा एक्चुअल लाइफ टाइम जो चल रहा है वॉच में, 12:30 हो रहे हैं। Hey guys, finally 24 hours challenge in my room वो हो चुका है complete और हाँ अभी 11:30 हो रहे हैं and I'm super excited कि challenge मैंने पूरा कर लिया finally। बहुत बोरियत हो रही थी उस time पे, मैं सोई, पढ़ाई की, डांस किया, तब भी टाइम नहीं निकल रहा था, बट उसके बाद finally निकल गया और अभी next day है, सुबह 11:30 हो रहे हैं। सो अगर आप और पीछे मेरा ब्रेकफास्ट अभी रेडी हो रहा है और आई थिंक उसके अलावा कोई एक्टिविटी बची नहीं क्योंकि 24 आवर्स डन हो चुके हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैला दें। प्लीज़ गाइस सपोर्ट दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू डू।